इटली में जब भी ट्रेन से ट्रैवल करना होता है तो टिकट को पहले पंच करना होता है स्टेशन पे, तो देख सकते हैं आप। गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम सभी अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग हो गई है तो मैंने सोचा तो सुबह से व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती हूँ, नहीं तो हमेशा व्लॉग इतना नहीं कर पा रही जब से आई हूँ इंडिया से। तो पुरानी व्लॉग भी एडिट करके मैं अपलोड कर रही हूँ और आज का फ्रेश वीडियो है। सो आज क्या है, आज हस्बैंड का ऑफ है तो हस्बैंड ने कहा कि मैं घुमा लेता हूँ और कुछ पेंडिंग एक दो काम भी है वो भी हो जाएगा। जब से इंडिया से आए हम बाहर घूम नहीं पा रहे। So, मेरे हस्बैंड का ऑफ है तो कहते मैं लाता हूँ और एक तो काम है पेंडिंग और आरब भी उठ गया है, आज की छुट्टी करवाई है हमने, है ना। गुड मॉर्निंग कर दो हमारे सब्सक्राइबर को हमारे। तो बस अभी चाय नाश्ता वगैरह पिया है, अब मैं रेडी होंगी, फ्रेश होंगी, थोड़ा सा दीपक वगैरह जलाऊंगी, उसके बाद मैं रेडी होंगी, फिर फाइनल हम निकलते हैं। फिर पूरा दिन का जो भी व्लॉग होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ। तो आरव जा रहे, इसको पता है कि हम घूमने जा रहे हैं, पापा घूमी भी कर लेके जा रहे हैं, तो अपना और अपना खुद ही पेस कर रहा है। हाँ। कौन कौन घूमी घूमी करने जा रहे हैं बेटा? पापा और मम्मी और आरव। आहा, पापा मम्मी आ रहा हम घूमने। जब भी ट्रेन से ट्रैवल करना होता है तो टिकट को पहले पंच करना होता है स्टेशन पे, तो देख सकते हैं आप मेरे हस्बैंड पंच कर रहे हैं। तो इस तरह से ये पंच हो गया है टिकट, बस हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। आज मैंने अपनी याली इयररिंग्स पहनी है। मशीन दिखा दो, मशीन। और हर स्टेशन पे ये इस टाइप का खाने का कुछ ये लगा होता है, इसे पंच करके अपना कॉइन्स वगैरह डाल के ये खाने पीने का ले सकते हैं इमरजेंसी में, किसी को खाना पीना भूख लगी हो तो। हर स्टेशन पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, इस तरह से जैसे कॉइन वगैरह पैसे नहीं होते तो इस तरह से कार्ड वगैरह भी पंच कर सकते हैं। आरव ने कुछ खाया था, उसका रैपर ना इसमें डबीन में फेंकने गए, तो हर स्टेशन के अंदर बिन ये रखा होता है, तो ये इसको सिखा रखा कि जो भी खाना पीना होता है जो जिसका भी रैपर्स होते हैं सारे बिन के अंदर डालना है। गुड जॉब आरव, गुड जॉब। तो देख सकते हो ट्रेन आ गई है हमारी, तो मैंने आरव का हैंड होल्ड कर लिया है, तो ये
ट्रेन है यहाँ पे। पहले हम उतरने का वो देते तो ये डबल करो, नीचे नीचे खड़े हो जाते हैं। तो ये ऊपर की साइड भी है बैठने का और नीचे के साइड का भी किया हुआ है और इसमें दोनों साइड है ऊपर, और यहाँ वॉशरूम का भी है फैसिलिटी। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना, ये लोकल ट्रेन है यहाँ की। अभी तो अभी मैंने आपको बुलेट ट्रेन का अपने लास्ट व्लॉग में जब मैं हम इटली टू इंडिया जा रहे थे तब मैंने आपको बुलेट ट्रेन का दिखाया था, उसके अंदर कैसे अंदर का व्यू होता है। ये लोकल ट्रेन का है, ऊपर भी है डबल टेकर वाला ये, और आराम से बैठ के आ रहा और अपना बिस्किट खाने का इंजॉय ले रहा है। इसके पापा फ़ोन पे लगे हुए हैं, इन्होंने एयरबड लगाया हुआ है कान में, आ रहा अपना मस्ती कर रहा है ना। घूमते घूमते आ गए हैं तेरा नोवा। आ रहा सैनिटाइज कर लो, हाँ सैनिटाइज करो। तो ये आ रहा सैनिटाइज कर रहा है अपना हैंड रहा वो। तो बच्चों की इतनी ब्यूटी ब्यूटीफुल ड्रेसेस वगैरह लगी है लड़कियों की, आरफ की देखते क्या मिल लेते हैं, जल्दी आओ। आरा को भूख लग रही थी, पापा दिला रहे पनीनी, वेज पनीनी, वेरी गुड ब्रावो। इसके पापा खेल रहे थे, वे कह रहा पापा मम्मी मैंने खा के इसमें डाल दिया। ठीक है चलो, क्या लेना है? ये इटाल सलाद वाला पनीनी सैंडविच है, चले लो क्या लेना है? तो ये इटालियन ये पनीनी ली है, मतलब पनीनी मतलब सैंडविच होता है, बस ये थोड़ा सा बन टाइप का होता है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा वेजिटेबल टमाटर, ये वेज है इनका, तो हमारे में तो वेज टिक्की विक्की लगी हुई होती है, बहुत सी चीज़ें लगी होती हैं।
आरब खा लो। पनीनी बड़ा एंजॉय कर रहा है। आरब कैसा लगा पनीनी? क्या चे सो गाइस, अब हम आ गए हैं बाहर से जाके। काम हो गया। अब एक्चुअली हम किसी काम से गए थे बाहर और काम भी हो गया और थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी थी तो वो भी थोड़ा देख लिया और अब हम घर पे आए हैं। इंडियन शॉपिंग सामान वगैरह लेना था वो भी ले लिया और बेटा भी आ गया। देखो ये क्या कर रहा है। हाँ यहाँ रख दिया। अच्छा, इसके खाने पीने की चीज़ें आ गई। और हस्बैंड जा रहे हैं बगीचे क्योंकि आज हमें करना है थोड़ा सा ये बगीचा साफ करेंगे और ये बीज वगैरह आज लगाने, तो आज इनका बीजों का उद्घाटन होगा। इंडिया से जो बीज लाए वो भी लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा यहाँ के जो इटालियन बीज है वो भी, टमाटर वगैरह के, वो भी लगाएंगे। तो अभी थोड़ा सा बेड वेड सेट कर रहे हैं तो अभी व्लॉग तो अभी मेरे व्लॉग में बनी रहेगा। अभी व्लॉग है काफ़ी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइज, अब मैं आ गई हूँ अपने बगीचे में। तो काम वाम कर लिया है घर का और खाना तो सुबह बना गई थी तो मैं बस अब अपने बगीचे में आ गई हूँ। तो आज हस्बैंड बगीचे में सारे बीज वगैरह लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि पुदीना हमारे बगीचे का आ गया, कितना हरा भरा हो गया है। और वो एलोवेरा का पौधा है और अभी बीज लगाएंगे। बस ये सारे ना बीज डाले हुए इसके अंदर और यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे क्योंकि बीज अब सीज़न आ गया है गार्डनिंग करने का। क्योंकि यही सीज़न होता है, थोड़ी सी धूप होती है, थोड़ी सी छांव होती है। तो थोड़े बहुत बीज पौधे यहाँ ला के रखे हुए हमारे ये जो बगीचे का स्टोर रूम है ये सारा ला के रखा हुआ है इन्होंने। तो ये लगाएंगे आज, इन बीजों का उद्घाटन होगा। और आ रहा पानी से नहीं खेलना मिला। तो ये देख सकते हैं गोभी का और बीज है जो है तरबूज का बीज और गोभी का बीज, ये भी लगाएंगे। और आ रहा अपना गार्डनिंग करने में मस्त हो रहा है। सो गाइस, अब चलो अब मैं जा रही हूँ घर, रूम के अंदर थोड़ा सा काम है वो भी कर। गाइस, सुबह का जो भी था मैंने आपके साथ शेयर किया पूरा। जैसे कि बाहर हमें किसी काम से जाना था वहाँ पे भी हुआ है और हमें एक दो चीज़ें भी लेनी थी तो उसकी भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। कुछ देख के भी आए जो हमें समझ में आया उसकी डिस्काउंट वगैरह लगेगा तब हम वो लेंगे। और बाकी एक दो चीज़ हमने ली है एंड उसके बाद फिर हम घर पे आए खाना वाना खा के फिर हस्बैंड बगीचे का भी करने लगे थे क्योंकि बगीचे सीज़न आ गया है गार्डनिंग करने का, प्लांटिंग। तो मैंने आपको कहा था कि हम अप्रैल मई में स्टार्ट करते हैं बट अभी हम इस बार हमने जल्दी स्टार्ट किया, बारिश भी हो गई है तो हस्बैंड पूरा टाइम आज उनका ऑफ था तो उन्होंने बगीचा साफ किया है अपनी फ्रेंड के साथ। भैया ने भी उनके साथ हेल्प करवाई है एंड अब पूरा दिन मैंने आपके साथ शेयर किया। अब रात हो गई है और अब मन कर रहा है मतलब कुछ हम जाते थे ऐसा कुछ डिफरेंट चीज़ मिल जाए, खाना बनाने का मन नहीं कर रहा तो हस्बैंड कह रहे पिज़्ज़ा ले आते, पिज़्ज़ा खा लेते और थोड़ा सा पास्ता पा लिए। तो आप देख सकते हैं मेरा बेटा ये देखो कहाँ स्लिप पे चढ़ गया है, ये देखो चढ़ गया और ये पास्ता उबाल दिया है और ये लहसुन बना पास्ता बनाएंगे। अरब चलो शूट करो पकड़ो। तो गाइज, हस्बैंड ले आए पिज़्ज़ा। तो आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा ले आए आप क्योंकि जब पूरे दिन का टाइम बिजी हो जाता है, जब पूरा दिन हम थक जाते हैं तो खाना बनाने का मन नहीं करता है, लगता बाहर का कुछ खाना वाला तो जब हम थक जाते हैं लगता है बाहर का कुछ ले आया। भाई ये इंडिया तो है नहीं कि बाहर से हम कुछ सब्जी ले आए, चाय पनीर ले आए कुछ, तो यहाँ का जो मन से थक जाते तो फिर हम बाहर का पिज़्ज़ा ही लेके आते वही खाते। तो हस्बैंड ले आए पिज़्ज़ा तो अब मैं साथ में बना रही हूँ पास्ता क्योंकि पास्ता बन गया, पास्ता बना रहे। बस इन्होंने फोर्नो गर्म कर दिया है, हीटअप करना होता है पिज़्ज़ा बनाने से पहले। ये रेडीमेड पिज़्ज़ा होता है, मैंने आपको कितनी बार ब्लॉग में दिखाया कि फ्रोज़न पिज़्ज़ा होता है इटालियन। तो ये इसमें डालना है, इसमें थोड़ा ना डालना है, इसमें डाल दो। हाँ प्याज वगैरह डाल दो, प्याज वगैरह डाल देंगे, टमाटर वगैरह जो डालना है। इस बार ये मैंने पास्ता इस बार मोटा वाला जो साइज का होता है ना इसमें आप जो चीज़ वगैरह भी फील कर सकते हो बट अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैंने इस बार यही बना रही हूँ इसके बाद। और हस्बैंड बना रहे पास्ता कर रहे तो बस ये मैंने पास्ता डाल दिया है और काली मिर्च पाउडर डाला है और हस्बैंड अपना ये
पिज्जा में स्प्रे कर रहे हैं। चीज डाल दिया है क्योंकि पोमोदोरी और थोड़ा सा केचप डालूंगी और थोड़ा सा फरमाजो डालूंगी। काली मिर्च पाउडर मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। पकड़ना बनाओ अपने टमाटर का। टमाटर पोमोदोरी बना दिया है, उसमें थोड़ा सा फरमाजो मैंने ऐड कर लिया। खत्म हो गया। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम लेंगे। वही रेसिपी हमने तो देख सकते हैं, मेरा पास्ता रेडी हो गया। मेरे पति देव खा के बता रहे कैसा बना है। नमक सही है, अच्छा बना है। तो एक पिज्जा लगा दिया है फोर्न में, एक पिज्जा दूसरा पिज्जा लगा रहे, एक ही पिज्जा बना लो। हाँ तो मैंने बना दिया, देख सकते हो कितना यम्मी लग रहा है खाने में। बाकी हस्बैंड अपना स्पाइसी वाला बनाएंगे, मैंने वरारा अपने लिए बनाया। तो एक पिज्जा, इतना पिज्जा बनाना था उतना हम, इतना पिज़्ज़ा बनाना था उतना हमने बना ली, बना रहे हैं। मतलब बाकी जो फ्रोज़न पिज़्ज़ा ये मैं फ्रीज़र के अंदर रख देती हूँ। तो ये फ्रोज़न के अंदर रख रही हूँ पिज़्ज़ा, इस तरह से रख दिया है क्योंकि मैंने आपको कहा था इटालियन ऐसे ही अपना खाने पीने का रखते हैं। बस हस्बैंड देख रहे हैं अब पिज़्ज़ा गर्म कर रहे हैं फोर्नों में और मेरा बन गया है। चलो आ रहा जा खाते हैं। गाइस पिज्जा के साथ ना खाने में के साथ कोल्ड ड्रिंक का अलग ही मजा है। तो ये कोल्ड ड्रिंक मैं निकाल लेती हूँ, कोल्ड ड्रिंक का अलग ही मजा है। तो अभी बहुत ठंडी है, इसको थोड़ी देर रख देते हैं बाहर। तो कोल्ड ड्रिंक का अलग ही मजा है, तो कोल्ड ड्रिंक रख देते हैं, थोड़ा सा वार्म हो जाएगी। एंड और थोड़ा सा उसके साथ बना देते सलाद, सलाद को अच्छा नहीं। अब मैं बना रही हूँ सलाद क्योंकि पास्ता के साथ सलाद जरूरी होता है खाना, और मेरा बेटा भी सलाद बहुत अच्छे पसंद से खाता है। तो ये बहुत बड़ा सलाद ही है। तो थोड़ी देर में रख दूंगी नहीं। सलाद को धोने के बाद ना मैं बास्केट के अंदर रख दूंगी ताकि पानी इसका निकल थोड़ा सा। ये देख, ये भी पानी भी लगा, बाकी का मैं। तो एक पिज्जा तो बन चुका है और दूसरा पिज्जा भी बना रहे और पास्ता हमारा रेडी हो चुका है। अब दूसरा पिज्जा बना रहे, अब बस मैं टेबल लगाती हूँ। बेटा टॉपिंग डाल दी हमने। गाइस आरव अपने खाने के लिए टेबल पे बैठ चुका है और इतना एक्साइटमेंट है। पिज्जा इसके पापा कट करके दे रहे हैं और ये आरव की छोटी सी प्लेट लगा दी है। ये थोड़ा खाना है, इसको तो मेन पिज्जा खाना है। इसके पापा कट करके दे रहे हैं पिज्जा और आरा का ये मेरा पास्ता ये रहा। और इसमें डालूंगी मैं चिली फ्लेक्स। बस बोलो आरा, इसका वो पेप्सी भी खोल दो। इसमें डालूंगी मैं चिली फ्लेक्स। ये आप नहीं खा सकते बेटा, मिर्ची वाला है। हाँ अब मैं तो लूंगी, पेप्सी नहीं लूंगी, मैं लूंगी क्योंकि रात हो रही है तो पेप्सी बहुत ज्यादा शुगर होता है। मैं सिंपल जूस लूंगी और आप भी आ जाओ। पेप्सी डाल रहे, चलो चलो आ रहा। चिन चिन करते, पापा भी आ रहे। चिन चिन करो, चिन चिन। एक पिज्जा मुझे दे दो। एक ही देना हमें सिर्फ पिज्जा का, ये पास्ता कम कर लो, हमारा पास्ता भी हो जाए। तो बस मैंने अपनी प्लेट लगा लिया ये, और बेटे का भी हो गया, मैं भी पिज्जा खा रही हूँ और ये हस्बैंड भी आ रहे हैं। ले आओ अपना वो भी फुरकट्टा, वो क्या कहते हैं काटा, ले आओ काटा। अपनी प्लेट भी ले आओ, सारे पास्ता डालो ना, प्लेट ले आओ ना, उसमें डाल लो। तो बस हस्बैंड भी लेके बैठ गए खाने के लिए और हमने भी अपनी अपनी प्लेट लगा ली है। सो बस अब अपना खा के करते हैं। आरा कैसा बना है पापा, पिज्जा भी खा के बताओ।
यामी बना बनाया इटालियन पिज्जा। तो गाइस मैं भी खाती हूँ, खाती मम्मी देखो ये मेरी सिस्टर ने दिया था, इसकी आरा की मासी ने दिया था, ये गुड्डा मासी ने दिया था, मासी को खिला रहा, मासी ये खा लो मेरी मासी खा लो खाना दी ना अपने लिए। अच्छा लगता है फैमिली के साथ बैठ के खाना ना, जब भूख थोड़ी भी होती है ना वो और बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा खाना होता है तो और खा लें, क्योंकि है फैमिली यही है। तो बस बेटा भी एंजॉय कर रहा है कुकी पापा के साथ खाने, तो पूरा दिन कैसे गुजरा पता ही नहीं चला, मतलब काम भी बिजी रहा पूरा दिन। तो पूरा दिन का ब्लॉग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए, कमेंट नहीं करते आप। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आइकन बेल जो सब्सक्राइबर का ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियो है आप तक आराम से पहुँच सके। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अरे बाय कर दो हमारे सब्सक्राइबर को, चलो।